हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिसू फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पाठ की मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगी, तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और लघु उत्तरीय प्रश्न और वो पाठ मैंने आपको अच्छे से पढ़ के बतलाया है और थोड़ा बहुत समझाया भी है आप सभी को, जो कि क्लास 10th में काफ़ी फर्स्ट चैप्टर है और आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कभी भी छूटते नहीं हैं। खासकर फाइनल एग्जामिनेशन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बुक में, ये क्लास 10th की बुक है जिसमें कि व्याकरण एवं रचना बोध पढ़ना आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि इसमें 5-6 दिए हैं, मुहावरे दिए हैं जिसका प्रयोग करना है और उसका अर्थ भी लिखना है। तो मैंने ये आपके लिए मैंने ये तैयार रखा है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको व्याकरण। जैसे कि पहला है धुन सवार होना। तो धुन सवार होने का अर्थ होता है जिद में आना या होना या मतलब पकड़ना। तो जैसे कि इसी पुस्तक के अकॉर्डिंग मैंने ये आपके लिए तैयार की है। तो धुन सवार होने का जो मूल अर्थ है, जिद में आना होता है या फिर जोश में होना होता है या पकड़ना होता है, कि जो जिद लोग पकड़ लेते हैं उसको पूरा करने की ठान लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं धुन सवार होना। तो इसके जो वाक्य हैं वो है, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। फिर आगे है बात लगना यानी दुख मानना। बात मैत्री में कितनी बाल मैत्री में कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना हो जाता है, इसी पुस्तक से मैंने लिया है। ये बात सही है कि जब बाल मन होता है काफ़ी कोमल होता है और वैसे में बहुत लोग बहुत जल्दी रूठते हैं, लोग फिर बहुत जल्दी से मन भी जाते हैं। आगे के हैं हृदय को बेंधना यानी बुरी बात जो दिल से ना निकले, घर कर जाए, घर बना ले, उसे बोलते हैं हृदय को बेंधना। पल्ला पकड़ना यानी सहारा लेना। अब तो आपका पल्ला पकड़ लिया है, काम बन ही जाएगा। पुस्तक के अकॉर्डिंग सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था और उनका काम बन गया था। इसी प्रकार आगे है मुँह ताकना। मुँह ताकना यानी किसी का आसरा करना। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति एवं उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था, इसी पुस्तक से मैंने लिखा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपके जो फुल नंबर आप पाएंगे अगर इस तरीके से लिखते हैं तो, कीचड़ में पैर डालना, बुरी संगत में पड़ जाना, जिसका मूल अर्थ होता है, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। तो इस प्रकार से मैंने व्याकरण एवं रचना बोध, ये जो आपका क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कंप्लीट करवाए हैं और आगे का करवाती हूँ। जैसे कि दूसरा है मित्रता शब्द में ताप्रत्यय है। ताप्रत्यय जोड़कर अन्य 5 शब्दों की रचना कीजिए, जो इस प्रकार से है। मित्रता शब्द में ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय जोड़कर 5 अन्य शब्दों की रचना कीजिए। तो पहला तो खुद ही हुआ मित्र प्लस ता मित्रता, फिर पढ़ प्लस ता पढ़ता, लिख प्लस ता लिखता, दौड़ प्लस ता दौड़ता, नवीन प्लस ता नवीनता, मधुर प्लस ता मधुरता, सुंदर प्लस ता सुंदरता। इस प्रकार 5 से अधिक मैंने तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यह है क्लास टेंथ का पहला पाठ मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, यह निबंध है। और इसके दूसरा इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए तैयार किया है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग
और मूल शब्द तो, जो इस प्रकार से है। तो मैं बता दूं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। तो ये जो पहला है आपका निष्कलंक, निः प्लस कलंक यानी कलंक रहित, मूल शब्द कलंक है और उपसर्ग निः है, निः है। तो ये संस्कृत प्लस हिंदी दोनों में यूज होते हैं, अधिकतर ये संस्कृत में यूज होता है। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं निः। आगे है उज्ज्वल, तो मूल शब्द उपसर्ग इसका उत होगा जो कि संस्कृत शब्द है। फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी संस्कृत मूल शब्द प्र से मिलकर बना है, उपसर्ग है प्र, मूल शब्द है वृत्ति। फिर संकल्प है संस्कृत का ही वर्ड है सम, और इसका मूल शब्द कल्प होगा, इसका मूल शब्द कल्प और उपसर्ग सम। सहानुभूति मूल शब्द अनुभूति और उपसर्ग स। उच्चाशय जो है मूल शब्द आशय और उपसर्ग उत। कुमार्ग का मूल शब्द मार्ग और उपसर्ग कु। कुसंग का मूल शब्द संग और उपसर्ग होगा कु। दुर्भाग्य का मूल शब्द भाग और उपसर्ग दुर। और प्रभाव जो है इसका मूल शब्द भाव है और उपसर्ग जो है प्र है। अपवित्र का मूल शब्द पवित्र और उपसर्ग है अ, जो कि हिंदी का ही, अपवित्र हिंदी का है। दुर्भाग्य जो संस्कृत उपसर्ग से मिलकर बना है और प्रभाव भी संस्कृत उपसर्ग से मिलकर बना है। कुमार्ग जो है वो हिंदी उपसर्ग का वर्ड है जो कि कु से मिलकर बना है। कुसंग भी इसी प्रकार का है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 1 2 3 यानी कि मुहावरा और प्रत्यय और उपसर्ग बतलाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।